आप सभी को हरिओम, नमस्कार, सुप्रभात। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन की ओर से प्रायोजित तत्वबोध भगवद गीता हिंदी के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले सत्र में हमने अध्याय तृतीय तक का अध्ययन किया था, आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्य रविना जी से निवेदन करता हूँ कि सत्र का संचालन। हरि हरिओम। और भगवद गीता के इस सत्र में आप सभी साधकों का स्वागत है और हम प्रार्थना से आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के इस सत्र में उपस्थित सभी साधक वृंद का पुनः मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आपके हृदय में विराजमान उस परम परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज हम भगवद गीता के इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। चौथे अध्याय में जाने से पहले तीसरे अध्याय की कुछ चीजें हम संक्षेप में जानें। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक ही संदेश दिया मुख्य रूप से कि आप जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, कर्म करते हुए जब आपके अंदर कर्तापन भी नहीं है और भोक्तापन भी नहीं तो कर्म अकर्म बन जाएगा। और यदि आपके अंदर कर्तापन भी नहीं है भोक्तापन भी नहीं है तो ही आप उस अचल सनातन तत्व तक आप जा सकते हैं। मुख्य रूप से भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमको कर्म करने के तरीके को बताया। सिंपल सा उन्होंने तरीका बताया कि जब आप कर्म करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके अंदर कर्ता भाव भी मत आए, और दूसरा भगवान कहते हैं कि ध्यान रखिए कि आपके अंदर भोक्ता का भी भाव मत आए। तो कर्ता का भाव यदि नहीं आता है, भोक्ता का भाव नहीं आता है, तो हमारा जो कर्म है वो अकर्म बन जाएगा, हमारा जो कर्म है वो उपासना बन जाएगी, हमारा जो कर्म है वो त्याग निष्ठ एक सेवा बन जाएगी। तो बस हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम कर्म करें कर्तापन न रहे और भोक्तापन न रहे। और उसमें भगवान श्री कृष्ण दूसरी बात बताते हैं कि इस कर्तापन और भोक्तापन वाली जो आप साधना कर रहे हैं जिसमें आपको कर्तापन नहीं होना है
भोक्तापन नहीं होना है। कि साधना में सबसे बड़ा जो शत्रु है वह है काम, कामना। और भगवान कहते हैं कि कामना और काम को भी विजय करने के लिए आपको मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, तीनों स्तरों पे आपको साधना करनी है। तो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने के तरीके को बताया और भगवान श्री कृष्ण ने काम को यानी कामनाओं को विजय प्राप्त करने के लिए किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए, हमारी जो रणनीति है साधना की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है तीसरे अध्याय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इन इस तीसरे अध्याय के बाद आज हम चौथे अध्याय पर प्रवेश करते हैं। और चौथा अध्याय कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चौथा अध्याय हमारी संकीर्णता को तोड़ता है। हमारे ज्ञान का एक सीमित जो दायरा है ना, बाउंड्री ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं, बाउंड्री ऑफ नॉलेज, आपके नॉलेज का जो बाउंड्री है उसको तोड़ता है, आपको और उदार बनाता है, आपको और नए नए विचारों में ले जाता है, नए नए संदर्भों में, नए नए आयामों में चौथा अध्याय ले जाता है। तो अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। पर चौथे अध्याय में प्रवृत्त होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चौथे अध्याय का जो नाम है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक नाम। चौथे अध्याय को कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास, ये चौथे अध्याय का नामकरण है। अब देखिए पहले अध्याय का क्या नाम था, पहले अध्याय का नाम था विषाद योग। विषाद योग मतलब दुख, दुख का योग, दन्यता का योग, परेशानी का योग। आपकी परेशानी, आपका विषाद, आपका दुख करा सकता है परमात्मा। यदि आप दुख, आपका दुख भी आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा। और पहले अध्याय का नाम इसी कारण रखा गया है विषाद योग, वो दुख का योग। अर्जुन दुखी था, परेशान था, अपने परेशानी अपने दुखों के कारण वो परमात्मा की ओर बढ़ता है। तो पहले अध्याय का नाम था विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। सांख्य योग में ज्ञान की ही बातें थी, आपको याद होगा कि भगवान बताते हैं आत्मा कैसी है, आत्मा को क्या कर सकते हैं, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के स्वरूप क्या है, आत्मा की विशेषताएं क्या है, आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता, केवल ज्ञान की चर्चा। इसी कारण दूसरे अध्याय को कहा जाता है ज्ञान योग या सांख्य योग। ठीक, उसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान ज्ञान और विषाद की बात कम करते हैं, तीसरे अध्याय में भगवान कर्म पे ज्यादा बात करते हैं कि कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म में भोक्तापन हटाएं कैसे, कर्म में कर्तापन हटाएं कैसे, ऐसे कैसे कर्म करें कि हम अपने काम और क्रोध को जीत पाए। तो तीसरा अध्याय जो है पूरी तरीके से कर्म पे ही बात करता है, तो उसको हम कहते हैं कर्मयोग। आज तक आपने विषाद योग को समझा, आपने ज्ञान योग को समझा और आपने कर्म योग को समझा। ये जो चौथा अध्याय है वह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। बड़ा विचित्र नाम कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये मुख्य रूप से हमको कर्म संन्यास के बारे में बताता है। चौथा तीसरा अध्याय तो हमको कर्म करने के तरीकों को बताया, लेकिन चौथा अध्याय हमको कर्म संन्यास योग के बारे में बताता है कि कर्म से भी कैसे हम संन्यास की ओर जा सकते हैं। और इसमें बड़ा अच्छा है कि उसमें कर्म संन्यास के पहले उन्होंने लिख दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग। ऐसा संन्यास जिसके आधार पे ज्ञान हो तो उस योग को कहते हैं कर्म संन्यास। ऐसा संन्यास, ऐसा त्याग जिसके आधार पे ज्ञान हो, जिसके नीचे ज्ञान बैठा हो, वह है कर्म संन्यास। तो हम जानते हैं कि जिस कर्म संन्यास के पीछे ज्ञान होता है वह कर्म संन्यास फलीभूत होता है।
और जिस कर्म संन्यास के पीछे ज्ञान नहीं होता वह कर्म संन्यास फलीभूत नहीं होता है। आप देखे होंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बहुत सारे साधु संत होते हैं। आप कई साधु संतों को मिलेंगे तो पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ परेशानी आई, कोई किसी की मृत्यु हुई और किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, अचानक उनको वैराग्य हो जाता है और वो संन्यास में चले जाते हैं। और उनका जो संन्यास है 4-5 महीने तक होता है, 6 महीने के बाद वो वापस घर आ जाते हैं या वहीं पे एक बड़ा आश्रम बना के फिर संसारी हो जाते हैं। तो कई लोगों का संन्यास ऐसी होता है जिसको बोलते हैं मरकट संन्यास, जिसको कहते हैं शमशान संन्यास, कि घर में कुछ परेशानी हुई, किसी की मृत्यु हुई, कुछ दुख आया, कुछ समय के लिए वैराग्य हुआ और हम 4-5-6-7 महीने के लिए सन्यासी हो गए, फिर वापस घर आए। तो इस सन्यास के पीछे क्या था? कोई ज्ञान नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई बौद्धिकता नहीं, ऐसे सन्यास के पीछे। और ऐसे जो सन्यासी होते हैं, ऐसे जो सन्यास जिसको मरकट सन्यास कहते हैं या श्मशान वैराग्य कहते हैं, ये कुछ दिनों का ही होता है, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का। उसके बाद फिर वो अपना अब संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं, अपना आश्रम बना लेते हैं, बाल बच्चे पुत्र कलत्र इत्यादि करके फिर वो घोर संन्यास घोर संसार में चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा चले जाते हैं? क्योंकि इनके संन्यास के पीछे कोई ज्ञान नहीं है, कोई बौद्धिकता नहीं है और कोई परिपक्वता नहीं, ये केवल मरकट संन्यास है, वैराग्य संन्यास। और जो दूसरी प्रकार का संन्यास होता है उसके पीछे एक ज्ञान होता है, एक दर्शन होता है, एक परिपक्वता होती है। और जब आपके संन्यास के पीछे ज्ञान है, आपके संन्यास के पीछे एक दर्शन है, आपके संन्यास के पीछे जब एक बौद्धिक परिपक्वता है, तो फिर आपका जो सन्यास है वो हमेशा फलीभूत होगा, फिर आपका सन्यास कभी नहीं टूटेगा, फिर आपका सन्यास कभी खंडित नहीं होगा, फिर आप सन्यास से कभी भी च्युत नहीं होंगे, फिर आपका जो सन्यास है कभी भी टूटेगा नहीं, क्योंकि आपके सन्यास के पीछे एक ज्ञान का दर्शन है। तो ये जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यह बताता है कि हम कर्म का संन्यास तो लेंगे, कर्म से संन्यास लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान का एक अग्नि जो जलना चाहिए वो जलते रहना चाहिए। ज्ञान की जो ऊष्मा है, ज्ञान का जो ताप है, ज्ञान की जो अग्नि है, उस कर्म संन्यास के पीछे जलना चाहिए, इस चौथे अध्याय का आशय है। मतलब इसको हम समझे तो ऐसा है कि कर्म तो करेंगे ही, लेकिन कर्म का जो फल है, कर्म का जो बंधन है, वो हमारे पास नहीं रहे, वो पूरा जल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई रस्सी है, किसी भी रस्सी को आप जला दें, एक रस्सी लीजिए उसको आप जला दें, तो जब रस्सी को आप जलाएंगे तो रस्सी काले रंग का जल के पड़ा रहेगा, आपको लगेगा कि रस्सी पड़ी हुई है, क्योंकि रस्सी जब जली नहीं थी तो भी काली थी, अब वो जल के राख हो गई तो भी काली है, तो आपको लगेगा कि रस्सी अभी भी है, जली हुई रस्सी। लेकिन जली हुई रस्सी आपको बांध नहीं सकती, जली हुई रस्सी से आप किसी को नहीं बांध सकते, भले दिखाई देगी जली हुई एक रस्सी के जैसे। तो कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग में जब आप प्रवेश करेंगे, ज्ञान कर्म योग संन्यास की जब आप साधना करेंगे, तो कर्म आपके जीवन में रहेंगे उस रस्सी के जैसे, लेकिन उस जले हुए रस्सी के जैसे रहेंगे। जैसे रस्सी को जला दिया जाए तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, कि रस्सी तो दिखेगा, आपका कर्म भी दिखेगा कि ये व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन जैसे जल गई रस्सी, जली हुई रस्सी का राग जैसे दूसरे चीजों को नहीं बांध सकता, वैसे कर्म संन्यास में जले हुए कर्म भले दिखाई देगा कि वो कर्म है, लेकिन आपको बांध वो नहीं सकता। तो चौथे अध्याय की ये विशेषता है, चौथे अध्याय का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है
कि चौथे अध्याय में इस ज्ञान कर्म संन्यास योग की हम प्राप्ति कैसे करेंगे, इसका उपाय इस चौथे अध्याय में बताया गया है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से मनन चिंतन कीजिएगा, पठन कीजिएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग कोई सर्वथा नया रास्ता है। वास्तव में केवल दो ही प्रकार के रास्ते हैं, दो ही प्रकार के रास्ते होते हैं। पहला जो रास्ता होता है वह है प्रवृत्ति का रास्ता, और दूसरा जो रास्ता होता है वह है निवृत्ति का रास्ता। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म निष्ठा, एक कर्म योगी है वो भी प्रवृत्ति का मार्ग अपनाता है, और दूसरा मार्ग है निवृत्ति का, जिसको हम कहते हैं ज्ञान निष्ठा। इन दोनों निष्ठाओं की बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय में कही है। और ये जो दोनों निष्ठा है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों जो निष्ठा है साधक की अपनी रुचि के अनुसार है। साधक की जिसमें रुचि होगी वैसा वो मार्ग अपने लिए चुनेगा। हम कर्म योगी को ज्ञान पकड़ा दें और ज्ञान योगी को कर्म जबरदस्ती पकड़ा दें तो उसका उद्धार, उसका भला नहीं होगा। लोग अपने स्वभाव से, अपनी रुचि से अपने मार्ग का चयन करेंगे। तो अब तक भगवान ने कहा कि दो प्रकार का मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग जिसे कर्म निष्ठा का मार्ग कहते हैं, एक है निवृत्ति का मार्ग जिसे कहते हैं ज्ञान निष्ठा का मार्ग, जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे पकवान होते हैं ना, दो प्रकार के पकवान होते हैं। आप कोई भी खाना बनाएंगे, मुख्य रूप से दो तरीके के खाना होता है। एक होता है मीठा और एक होता है नमकीन, दो ही प्रकार के खाने होते हैं। किसी कोई भी पकवान होता है, समोसा, बड़ा, आपका रोटी और बहुत सारे हैं वो नमकीन है, और वही मिठाई, रसगुल्ला, आपके गुलाब जामुन, ये सब मीठे पकवान है, मीठे मीठे पदार्थ है। अब बहुत आप घर में जब प्रोग्राम करते हैं तो आप देखते हैं कि यदि आप मीठा और नमकीन को रख दें तो सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नमकीन चीजों को खाना पसंद करते हैं और बोलेंगे भैया थोड़ा सा और हमको समोसे दे दो, थोड़ा सा और हमको जो बड़ा है या आलू का चीज है वो नमकीन चीज हमको दे दो, जब आप परोसते रहेंगे तो। और जो मीठे के शौकीन, मीठे जो मीठे चीजों को खाना चाहते हैं, वो कहते हैं भैया हमको थोड़ा सा रसगुल्ला दे दो, हमको थोड़ा सा गुलाब जामुन, थोड़ा सा बूंदी दे दो, थोड़ा सा हमको मीठा पसंद। तो लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, लोग अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार या तो मीठा का चयन करते हैं या नमकीन का चयन करते हैं। अब पेट तो दोनों से भरेगा, यदि आप मीठा चीज भी खाएंगे तो भी आपका पेट भरेगा और नमकीन चीज भी आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, दोनों आपके स्वभाव पे ही निर्धारित। उसी प्रकार ये जो मुक्ति का लक्ष्य है या सत्य का साक्षात्कार है या आत्म तत्व तक जाना है, वो ज्ञान निष्ठा से भी प्राप्त होगा और कर्म निष्ठा से भी प्राप्त होगा। दोनों से आपका पेट भरेगा, दोनों से आपको सत्य की प्राप्ति होगी, ज्ञान से भी, कर्म से भी, प्रवृत्ति मार्ग से भी, निवृत्ति मार्ग से भी। तो जैसे जीवन में ज्ञान कर्म दोनों होते हैं, जैसे खाने वाली मिठाई और नमकीन दोनों का ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान को अधिक पसंद करता है वह ज्ञान निष्ठा का साधक होता है और जो कर्म के प्रति अधिक रुझान होता है वह कर्म निष्ठा का साधक होता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने दोनों प्रकार के ज्ञान की बात हमको भगवद गीता में उन्होंने बताया है, और जो व्यक्ति जिसमें रुचि रखता है उस रुचि के अनुसार उन चीजों को पकड़ता है, उन चीजों को वो लेता है। अब यही जो रुचि है आपके पीछे, आपके सन्यास के पीछे, आप जब सन्यास कर्म सन्यास या ज्ञान कर्म सन्यास योग के बारे में आगे अध्ययन करेंगे तो यही व्यक्तिगत रुचि, यही स्वरुचि के अनुसार आपकी साधना, आपका जो साधना है वो आपको निर्माण करेगा
आपकी साधना को वो प्रकाशित करे। जैसे किसी की ज्ञान में निष्ठा है वो आत्म तत्व का चिंतन करेगा, किसी की कर्म में निष्ठा है तो वो सेवा काम करेगा, वो दूसरे कर्म निष्ठा के जैसे काम को करेंगे। इस प्रकार से आपके जो रुचि है, आपका जो स्वभाव है, उसकी रुचि और स्वभाव के हिसाब से आपका जो परंपरा है, आपका जो साधना है, आपकी जो साधना करने का तरीका है वो निर्धारित होगी। और यही जो दर्शन है, यही जो बौद्धिकता है, वो आप जब भी आप संन्यास की ओर बढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा आपको पकड़ के रखेगी, आपको कभी भी बेताला होने नहीं देगी, आपको कभी भी रास्ते से भटकने नहीं देगी। तो ये जो हमारा आधार है, इसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। जब हम अपने आधार को पकड़ के रखते हैं तो वो हमको कभी भी भटकने नहीं देता, हमको कभी भी वो बाहर जाने नहीं देता। और यदि हम अपने आधार को नहीं पकड़ेंगे, जो हमारा आधार है, जो हमारा स्वरुचि स्वभाव है, उसको हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो हम अनंत जन्मों में अनंत कर्मों में भटक जाते हैं। और होता भी ऐसा है, कभी आप देखेंगे, कभी आपको हनुमान जी अच्छे लगे, कुछ दिन के बाद जब आपने राम जी के बारे में सुना तो फिर बोले हनुमान जी का पूजा करना छोड़ते हैं, राम जी का पूजा करें, अब राम जी का पूजा करने लग गए। फिर कभी आपने माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के बारे में सुना तो अरे भैया अब तो हमको माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करना है, त्रिपुर सुंदरी में लग गए। कभी आपने शिव जी का सुना तो आपने शिव जी की साधना में लग गए। तो क्या है, आपने एक आधार को पकड़ के नहीं रखा। इसका भगवान कहते हैं कि अपने आधार को पकड़ो, अपने स्वधर्म को। आपका स्वधर्म का मतलब क्या है, स्वधर्म मतलब आपका जो शरीर, आपका जो मन, आपका जो स्वभाव है, उसको अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि आपका स्वाभाविक स्वभाव क्या है। और आपके स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार ही आपको अपने साधना पथ का चयन करना होगा। और यदि हम अपने स्वाभाविक स्वभाव के हिसाब से साधना पथ का चयन नहीं करेंगे तो हम एक जगह को पकड़ नहीं पाएंगे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि स्वधर्म स्वधर्म, अपने धर्म, अपने स्वभाव को जानो, अपने स्वभाव में स्थित रहो, क्योंकि हम स्वभाव से परे नहीं जा सकते। देखिए, आपको मैं कई बार, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कभी काली माँ की पूजा करूं, कभी दुर्गा माँ की पूजा करूं, कभी महाषोडशी त्रिपुरी सुंदरी की पूजा करूं, तो कभी ज्ञान मार्ग का बात हुआ तो घर से मूर्तियों को हटा देना होता था और ज्ञान के चिंतन में, कभी ऐसा होता था कि अरे में भी कोई तो जाना होता था। लेकिन जो मेरा स्वभाव, मेरी रुचि, मेरा जो था, उसके अनुसार जब मैंने अपने साधना पथ को अवलंबन किया तो अभी मेरे जीवन में बड़ी शांति है। तो गुरु जी ने कभी भी मुझको, जैसे बाकी सब साधक होते थे तो कई भी साधकों को वो कहते थे कि आप रुद्री का पाठ करो, तो कई साधकों को कहते थे आप ललिता त्रिपुर सुंदरी साधना का पाठ करो, किन्हीं को वह कहा करते थे कि आप गुरु क्रिया का ये नंबर का आपको साधना करना है, तो किन्हीं को कहते थे कि भैया तुमको कोई साधना करने का जरूरत नहीं है, तुमको केवल चिंतन करना है। गुरु जी ने मुझको कहा कि बेटा तुम भागवत, श्रीमद भागवत और भगवद गीता को पकड़ के रखो। तो देखिए, अलग अलग स्वभाव के साधकों के हिसाब से अलग अलग मार्ग और रुचियां जो गुरुदेव हमको प्रदान करते हैं, गुरु हमको देते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कार, उसके अनुसार से हमको गुरु साधना को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी अभिरुचि है, जो हमारा स्वधर्म है, उसके अनुसार जब हम अपने साधना पद्धति को पकड़ेंगे तो हम कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको अपने स्वभाव में स्थिर रहना कर ही अपने साधना पथ का अवलंबन करना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता कि हम कौन से साधना का मार्ग चयन करें। हम कर्मयोगी हैं कि ज्ञान योगी हैं कि भक्त योगी हैं, कि हमको तंत्र में जाना है कि हमको योग में जाना है,
तो इसका जो निर्देशन है, इसका जो उपाय है, वो हमारे जो श्री गुरुदेव भगवान होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे रुचि के अनुरूप, हमारे स्वभाव के अनुरूप वो हमको साधना का मार्गदर्शन देते हैं, साधना का रास्ता बताते हैं। इसी कारण जब भी आपको पता न हो कि मैं कौन से साधना का अवलंबन करूं, तो आप गुरु के सानिध्य में जाएं। जैसे अर्जुन को पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, अर्जुन दूसरे अध्याय में कहता है कि श्री कृष्ण मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं जंगल जाना चाहता हूं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का स्वभाव तो क्षत्रिय का स्वभाव है, अर्जुन का स्वभाव तो युद्ध का स्वभाव है, उसको संन्यास शोभा नहीं देगा, अर्जुन को शोभा नहीं देगा कि वो जंगल में जाके तप करे, अर्जुन का कल्याण नहीं होगा कि वो किसी हिमालय की कंदराओं में फल मूल खाते हुए योग के मार्ग में प्रवृत्त हो। इसका भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के स्वभाव को देख के, अर्जुन के रुचि को देख के, अर्जुन के कल्याण को देख के अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुमको कर्म योग के मार्ग में प्रवृत्त हो, तुमको कर्म योगी की साधना कर। तो अलग अलग स्वभाव के साधक हैं, अलग अलग रुचियां हैं, तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की योग और अलग अलग प्रकार के मार्ग भगवान ने हमको इस संसार में दिए हैं, ताकि हम उन मार्गों का चयन करके हम आगे बढ़ जाए। परेशानी तब होती है जब हम ये कहते हैं कि मेरा मार्ग ही सही है, जब हम कहते हैं कि ज्ञान योग ही सही है, तब केवल गड़बड़ है, जब हम कहते हैं कि केवल भक्ति योग ही सही है, तब गड़बड़ है, जब हम कहते हैं कि केवल कर्म योग को छोड़ के सब चीज गलत है, तो गड़बड़ है। तो हम जो भगवान इतने अनंत करुणामय हैं, भगवान इतने अनंत हमसे प्रेम करते हैं कि हमारे कल्याण के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के मार्गों की संरचना की है, हमारे गुरुदेव भगवान इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, करुणा सागर हैं, कि आप सभी साधकों को उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण को देखते हुए अलग अलग मार्गों को प्रशस्त कर। पर इन मार्गों को यदि हम मुख्य रूप से विभाजित करें, मुख्य रूप से, जैसे हम बोले ना, मुख्य रूप से दो प्रकार के खाने को लोग पसंद करते हैं, या तो मीठा या नमकीन, इसी तरीके से मुख्य रूप से दो प्रकार के साधना मार्ग होते हैं, एक होता है कर्मयोग, एक होता है ज्ञान योग, मुख्य रूप से। और इसके अंदर में बहुत सारे और भी शाखा प्रशाखा और छोटे छोटे और मार्ग भी होते हैं। तो यही से चौथे अध्याय का शुरुआत होता है। ये जो मार्ग है, ये जो योग है, इस योग के बारे में भगवान को, जो अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विश्वते योगं प्रोक्तवान् भवाव्ययम् विश्ववान् मनवे प्राह मनोदीक्षा कविब्रवीत। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो वंश परंपरा से चले आ रहे इस योग को राजर्षि जानते थे। यह जो योग है काल प्रभाव में, ये जो योग है सबसे पहले भगवान ने मनु को बताया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। ये जो दो प्रकार के योग भगवान ने मुख्य रूप से बताया है, ये ज्ञान योग और प्रवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। तो भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवा हवव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु परीक्षा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो मार्ग है सबसे पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, उसके बाद भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजयो राजशयो विदुह सकालेने महता योगो नष्टः परम तपः। भगवान कहते हैं कि इस योग को मैंने तो सूर्य से प्रारंभ किया, लेकिन वंश परंपरा में योग बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते एक समय काल के प्रभाव से ये जो योग का जो मार्ग, ये जो गुरु
शिष्य परंपरा है ये परंपरा खत्म हुआ। उसके बाद भगवान कहते हैं स एवायम मयाज्ञम योग भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम रहस्यम हेतुमुत्तमम। भगवान कहते हैं कि ये जो पुरातन योग है जो अभी मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया है क्योंकि तू मेरा भक्त है सखा है यह वास्तव में जो योग है वो सबसे बड़ा गुण है रहस्यमय। तो ये तीन श्लोकों में भगवान कहते हैं कि ये जो परंपरा से जो आया है दो प्रकार का ज्ञान है एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग ये मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया है सूर्य ने मनु को बताया है मनु ने इक्ष्वाकु को बताया है और ये आगे चलते हुए ये जो परंपरा है वो काल के प्रभाव में नष्ट हो जाता है और इसके नष्ट होने के बाद इस पुराने योग को और इस पुराने योग को अब मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये है कि जो कर्म प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का जो ज्ञान है केवल भगवत गीता से ही हमको प्राप्त नहीं हुआ है भगवत गीता से भी पुराने समय से बहुत पुराने समय से इस मार्ग के बारे में हमारे भारत में हमारे संस्कृति में इन दोनों ही प्रकार के मार्गों के बारे में योग के बारे में लोगों को ज्ञान था लोगों को परिचय था और परंपरा से परिचय था। लेकिन काल के समय में क्या हुआ कि जब ये जो योग है जब अनाधिकारी व्यक्तियों को मिल गया जब ये योग है दुर्बल व्यक्तियों को मिल गया तो फिर ये धीरे 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 ये परंपरा नष्ट हो गई। इस कारण से एक बड़ा चीज होता है कि जो ज्ञान है वो केवल अधिकारी व्यक्ति को ही देना चाहिए। यदि हम अधिकारी व्यक्ति को ज्ञान नहीं देंगे तो योग की परंपरा भी नष्ट हो जाती है। ये मैं नहीं भगवान श्री कृष्ण ने ये चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि एवं परंपरा प्राप्तम मीमं राजस यो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परम तप। ये जो परंपरा का योग है वो भी काल के प्रभाव में नष्ट हो जाता है ये भी परंपरा नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अनाधिकारी व्यक्ति को जब ज्ञान अनाधिकारी व्यक्ति को जब ज्ञान मिल जाता है तब उस परंपरा को नष्ट होना निश्चित रूप से स्वाभाविक। इस कारण हमेशा जो ज्ञान है जो साधना है वो अधिकारी पुरुष को ही मिलना चाहिए अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। और इसी कारण आप देखिएगा कि कभी भी आप ब्रह्म साक्षात्कार के शिविर में यदि आप जाना चाहो तो गुरुजी अनिवार्य करते हैं कि आपको सूक्ष्म शरीर की साधना आनी चाहिए आपको सांभवी दीक्षा होनी चाहिए आपकी भावातीत होनी चाहिए और आपके आत्म साक्षात्कार का शिविर होना चाहिए। क्योंकि इन शिविरों के और इन साधनाओं के बाद ही आप ब्रह्म साक्षात्कार के साधना के पात्र बनते हैं। तो ब्रह्म साक्षात्कार के साधना का पात्र आप तभी बनेंगे जब आप इन सारे साधनाओं को करते करते जाएंगे और जब आप अधिकारी होते हैं तो आपको ब्रह्म साक्षात्कार की भी साधना श्री गुरुदेव भगवान की तरफ से आपको दिया जाता है। सबसे पहले आपको अधिकारी बनने के लिए सूक्ष्म शरीर की साधना दी जाती है उसके बाद आपको सूक्ष्म शरीर की साधना के पश्चात आपको शांभवी की साधना दी जाती है उसके बाद आपको भावातीत की साधना दी जाती है उसके बाद आपको श्री विद्या की साधना दी जाती है उसके बाद आपको आत्म साक्षात्कार विद्या की साधना दी जाती है और उसके बाद आपको ब्रह्म साक्षात्कार की विद्या दी जाती है। तो जो अधिकारी व्यक्ति को ही साधना देना चाहिए तभी ये जो साधना है परंपरा से लंबे समय तक से टिकता है। यदि मैं सूक्ष्म शरीर की साधना ना करूं और डायरेक्ट मैं श्री विद्या साधना में बैठ जाऊं तो मैं श्री विद्या की परंपरा को नष्ट करना ही करना है। क्योंकि श्री विद्या के परंपरा को जानने के लिए उसके गुण को जानने के लिए मुझको शांभवी और सूक्ष्म शरीर और आपके चक्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अधिकारी पुरुष को
की साधना दी जाती है। काल क्रम में ऐसा हुआ कि हम अधिकारी व्यक्तियों को साधना से वंचित कर दिए। काल क्रम में तो इसी कारण जो योग की परंपरा है, योग का जो एक एक परंपरा थी, भगवान कहते हैं कि जो योग की परंपरा थी जिसे राजर्षि जानते थे, वो काल प्रभाव में नष्ट हो गया। तो इस योग परंपरा को नष्ट होने से बचाने के लिए हमेशा जो साधना है वो व्यक्तियों को भी हमको देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जैसे कि हमने कहा, भगवान ने कहा कि दो प्रकार के साधक होते थे, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। भगवान ने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है, उसमें लिखा है राजर्षयो विदुह। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि राजर्षि इस योग परंपरा को जानते। तो राजर्षि कौन है? देखिए, पुराने समय में दो प्रकार के साधक होते थे। पहले साधकों को कहते थे ब्रह्मर्षि, और जो दूसरे साधक होते थे उनको कहते थे राजर्षि। तो जो ब्रह्मर्षि होते थे वो निवृत्ति मार्ग के होते थे, वो सीधे वन में जाके तपस्या करते थे। जैसे कौन? जैसे शुकदेव जी। शुकदेव जी को हम ब्रह्मर्षि कहते हैं, क्योंकि भागवत में ऐसी कथा आती है कि जैसे शुकदेव का जन्म हुआ वो जाके तपस्या करने चले गए। तो जो शुकदेव थे वो ब्रह्मर्षि थे, और जो दूसरा वर्ग था ऋषियों का उसे कहते थे राजर्षि। तो राजर्षि कौन थे? जैसे राजा जनक थे। तो राजा जनक थे जो लोग कर्म परायण थे, कर्म करते हुए भी जो ब्रह्म में अवस्थित रहते थे, कर्म करते हुए जो ब्रह्म में निष्ठा रखते थे, ब्रह्म में जो लीन, ऐसे व्यक्तियों को राजर्षि कहा जाता था, जैसे राजा जनक। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि शुकदेव मुनि को व्यवहारिक ज्ञान का शिक्षा देने के लिए, क्योंकि शुकदेव मुनि तो जन्म लेते ही संसार छोड़ के चले गए। ऐसा कहा जाता है कि शुकदेव मुनि को ब्रह्म ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए उनको महर्षि जनक के महल में भेजा जाता है। तो जब शुकदेव मुनि जनक के महल में जाते हैं तो देखते हैं कि राजा जनक का तो खूब ठाट बाट, खूब बड़ा बड़ा सिंहासन था, खूब ऐशो आराम, शानो शौकत, बहुत बहुत धन संपत्ति था। तो शुकदेव को आश्चर्य होता है, ब्रह्मर्षि शुकदेव को आश्चर्य होता है कि राजा जनक है, इतने धन धान्य संपत्ति सुख सुविधा शानो शौकत के बीच में अपने मन को ब्रह्म में कैसे लगा के रखते हैं। और ये प्रश्न तो बड़ा लाजमी है, क्योंकि मैं जंगल में रहूं और मैं ध्यान परायण रहूं, संसार से मैं कट के रहूं, तो मैं अपने मन को ब्रह्म में लगा सकता हूं। पर आश्चर्य की बात है कि राजा जो जनक थे, जिनके बड़े बड़े महल थे, वो कैसे अपने मन को ब्रह्म में लगा सकते थे? जो इतना कर्मनिष्ठ थे, जो जीव जो इतना व्यस्त थे, जिनको युद्ध करना पड़ता था, जिनको पूरे साम्राज्य को देखना पड़ता था, जिनको अपने परिवार को भी देखना पड़ता था, इतने भोग में कैसे ब्रह्म को रख सकते थे राजा जनक? तो ये जो मन, ये जो संदेह है शुकदेव जी के मन में आया। और शुकदेव ने राजा जनक को पूछा कि हे राजन, आपके पास इतना सुख संपत्ति है, धन संपत्ति है, शान और शौकत है, भोग और सुविधाएं हैं, आप इतने सुख सुविधा और भोग में रह के भी आप अपने मन को ब्रह्म में कैसे लगा के रखते हैं? तो कहते हैं कि राजा जनक ने उनको कहा कि एक आपको उपाय करना होगा, और जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको स्वतः ही ये बात समझ में आ जाएगी। तो शुकदेव जी कहते हैं ठीक है, मुझको क्या करना होगा वो हमको बता दीजिए। तो राजा जनक उनको एक कटोरा देते हैं, कटोरे में पूरा एकदम भरा हुआ दूध देते हैं, कटोरे में इतना दूध को डाल देते हैं कि कटोरा पूरा भर जाता है।
अब राजा जनक सुखदेव मुनि को कहते हैं कि जो भरा हुआ कटोरा है उसको लेके आप नगर की परिक्रमा करें। उनका जो जनकपुर था, मिथिला था, मिथिला के नरेश थे राजा जनक, वो कहते हैं कि आप भरे हुए कटोरे को लेके पूरे जनक राज्य का परिक्रमा करें, लेकिन ध्यान रखें इस कटोरे से दूध नहीं गिरना चाहिए। तो सुखदेव कहते हैं ठीक है, और वो कटोरे में दूध को लेके धीरे 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 नगर की परिक्रमा करते हैं। अब राजा जनक उनके मन को तोड़ने के लिए, उनके मन को हटाने के लिए बहुत सारे डिस्टर्ब पैदा करते हैं। कहीं पे नर्तकियों का डांस कराते हैं, कभी लोग चिल्लाते हैं, कभी इस तरह की व्यवस्थाएं राजा जनक ने किया था कि सुखदेव जी का मन ध्यान हट जाए और कटोरे से दूध गिर जाए। इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके के आकर्षण की व्यवस्था उन्होंने जगह जगह करके रखा था। पर सुखदेव मुनि तो ध्याननिष्ठ व्यक्ति थे, वो दूध के कटोरे को ले धीरे 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 नगर की परिक्रमा करते हैं। उनको पता होता है कान में कि नर्तकियां डांस कर रही हैं, उन्हें कान में पता चलता है कि लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि देखो देखो शेर आया, भागो भागो, और दुनिया भर के प्रलोभन उनको कान से सुनाई देता था, लेकिन फिर भी अपना ध्यान को वो कटोरे में रखे थे ताकि वो दूध उससे मत गिरे, और पूरे नगर की परिक्रमा करके वो वापस राजा जनक के पास आते हैं। तो जब वो जनक के पास आते हैं तो जनक जी उनसे पूछते हैं कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, क्या क्या आपने देखा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो तो चिंता के मारे कि दूध कहीं छलक मत जाए, चिंता के मारे कि दूध कहीं इधर उधर बिखर मत जाए, चिंता के मारे कि दूध कहीं गिर मत जाए, कहीं देख नहीं पाए, और यदि कहीं देख लेते तो दूध छलक जाता। तब महाराजा जनक ने हंसकर कहा कि बस मैं भी इसी प्रकार एक मन को ब्रह्म के चिंतन में लगा कर रखता हूं, संसार में रहते हुए भी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि मुझको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मन ब्रह्म से विचलित मत हो जाए। जैसे आपको डर लगा था ना कि कटोरे का दूध कहीं गिर मत जाए, ऐसा ही मैं भी हमेशा जागरूक रहता हूं, और इसी जागरूकता के कारण मैं अपने मन को हमेशा ब्रह्म में लगा के रखता हूँ, इस भोग वासना इस सानो शौकत के बीच में भी। और आपके अंदर से जैसी जागरूकता चली गई, अगर चली जाएगी तो दूध का जो दूध है कटोरे, वैसी यदि मेरे मन से जागरूकता चली जाएगी तो मेरा जो मन है वो तो ब्रह्म के चिंतन से हट जाएगा। इस प्रकार से जो ब्रह्मर्षि सुखदेव मुनि हैं, वो राजर्षि जनक से इस प्रकार की वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ज्ञान था वो राजर्षियों के पास था, भगवान ने कहा ये जो ज्ञान था राजर्षियों के पास था, और वो नाम भी लेते हैं, राजर्षियों के नाम लेते हैं। जैसे पहले राजर्षि का नाम क्या लेते हैं भगवान इसमें, पहले कहते हैं कि उन्होंने सूर्य को बताया, सूर्य भी एक राजर्षि थे। फिर उन्होंने मनु को बताया, मनु भी एक राजर्षि थे। उसके बाद उन्होंने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु को भी एक राजर्षि थे, जनक के जैसे, कि संसार में रहते हुए भी वो ब्रह्म को मन में लगा के रखे। तो भगवान ने ये जो ज्ञान है वो राजर्षियों को दिया था, और राजर्षियों का काम था कि वो इस ज्ञान को अपने पास रखें। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, राजर्षियों के अंदर से इस ज्ञान को वो रख नहीं पाए। क्यों रख नहीं पाए, क्योंकि इसके बाद जो व्यक्ति आए वो तो दुर्बल थे, वो असंयमी थे, और दुर्बल व्यक्ति और असंयमी व्यक्ति के हाथों में पड़कर ये जो योग की परंपरा है वो नष्ट हो गई, ये जो योग की जो धारा है वो नष्ट हो गई। और अब इस योग की धारा को भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक राजर्षि मतलब अर्जुन को वो ज्ञान अभी भगवान श्री कृष्ण इस
इस भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। तो जो योग है, भगवान कहते हैं कि योग भी है, वो अधिकारी व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। यदि अधिकारी व्यक्ति के पास यह योग नहीं जाएगा तो परंपरा का जो योग है वो नष्ट हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा है, और वो नष्ट भी हो गया। इसी कारण हमको जो योग का ज्ञान है अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। कहीं पे भी आप बीज को डालेंगे तो फल और फूल नहीं लगेगा। आप कोई भी बीज को पथरीली जगह पे डाल के देखिए, किसी पत्थर पे आप बीज को रख के देखिए, क्या बीज से पौधे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। यदि आपको पौधा निकालना है, आपको वृक्ष पैदा करना है, तो जो बीज है वो ऐसे जमीन पे डालना चाहिए जिस जमीन में पानी की भी सुविधा हो, जिस जमीन में वायु की भी सुविधा हो, और जिस जमीन के पास एक सूर्य का प्रकाश भी आता हो। जब ऐसे अनुकूलित जगह पे आप बीज को बोएंगे तो वहां से पौधे का निर्माण होगा और पौधा पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। और यदि हम पथरीली जगह पे बीज को बोएंगे तो बीज है वो आगे नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा कि उन्होंने जो ज्ञान था उन्होंने राजर्षियों को दिया, और धीरे धीरे राजर्षि दुर्बल हुए और अनाधिकारी हुए, तो ज्ञान की जो परंपरा है वो नष्ट हो गई, और उस परंपरा को भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को दे रहे हैं। और ये जो परंपरा है वो पुराने समय से है, पुरातन काल से है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। उसके बाद अर्जुन का एक प्रश्न आता है। अर्जुन पूछता है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेद्विजानीयता प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, जबकि सूर्य तो बहुत पहले है, तब मैं कैसे मालूम कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया था? तो ये अर्जुन के मन में ये डाउट होता है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप कहते हैं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य से ये ज्ञान परंपरा से इक्ष्वाकु तक आया, लेकिन आपका जन्म तो अभी हुआ है, अभी आप देवकी और वसुदेव के गर्भ से आपने जन्म लिया है, आप वृंदावन में माँ यशोदा और नंद बाबा ने आपको पाला है, तो आप कैसे मान लूं कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया है? अर्जुन इस तीन प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, क्योंकि अर्जुन जीव था और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा थे, ब्रह्म थे। अर्जुन को भले ही अपने जन्म जन्मांतर का ज्ञान नहीं था, पर श्री कृष्ण को तो ज्ञान था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेथ परम तप अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय संभवं व्याममाव्यया। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म होते, पर मैं सबको मैं जानता हूं, पर तुम नहीं जानता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक नए आयाम की बात करते कि अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहुत बार जन्म हुआ है, पर तुम बहुत सारे जन्मों को नहीं जानते, और मैं यहाँ पे सारे जन्मों को जानता हूं। यहाँ पे एक नए तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिसको कहते हैं अवतारवाद। यहाँ से अवतारवाद का जो संकल्पना है, भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के पांचवें छठवें से एक संकेत करना शुरू कर देते हैं
कि जीव और परमात्मा स्वरूप स्वरूप एक है, एक ही है, स्वरूप से दोनों ब्रह्म है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जीव अलग है और ईश्वर अलग है। ये जो सूत्र है भगवान पांचवे छठवें अध्याय में देते। अब यहीं से वो मैंने जो आपको पहले कहा था ना कि ये जो चौथा अध्याय हमारे ज्ञान देंगे, तो यहीं से खुलते हैं। अब जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो केवल ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म में ही जिनकी रुचि है, वो फिर इस चीज में अर्थ अनर्थ निकालना शुरू करते हैं। अरे भगवान तो कुछ ये कहना चाहते थे, भगवान तो वो कहना चाहते थे। पर भैया भगवान जो कहना चाहते थे वो भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है। यहां से भगवान अवतारवाद के बारे में बताना शुरू करते हैं कि ईश्वर कैसे मनुष्य के रूप में इस धरती में जन्म लेता है। अब ये बात कई लोगों को नहीं पचता। क्यों कई लोगों को नहीं पचता? क्योंकि कई लोग ये मान के बैठते हैं कि हमारा ही मार्ग सही, केवल हम ही सही हैं। इसी कारण हम बार बार यही कहते हैं कि कभी भी अपने आप को संकीर्ण दायरे में बांध के नहीं रखना चाहिए। हम ज्ञानी हैं तो हम ज्ञान से ही चीजों को देखना पसंद करेंगे, ज्ञान के अलावा तो दूसरा जो मार्ग है गड़बड़ है। एक भक्त भी वैसी होता है कि भक्त को छोड़ के, हम भक्ति को छोड़ के दूसरा मार्ग गड़बड़ है। एक कर्म योगी होता है, वो बोलता है कर्म को छोड़ के गड़बड़ है, सारा चीज गड़बड़। ये एक सबसे गलत चीज है। भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग है। पिछले बार एक साधक का प्रश्न था कि भगवान साकार है कि निराकार है? तो यदि मैं उनको कहूं कि भगवान निराकार है तो खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की निराकार की पूजा करते तो खुश हो जाएंगे। यदि कोई साधक है जो साकार की पूजा करते हैं और मैं कहूं कि भगवान निराकार नहीं है, साकार है, सॉरी, तो साकार की जो पूजा करते हैं वो खुश हो जाएंगे कि भगवान साकार है। पर मैं आज आपको अवगत कराना चाहूं, भगवद गीता कहता है कि भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, और भगवान साकार और निराकार दोनों से भी परे। ये भगवद गीता का सिद्धांत है। भगवान भगवद गीता किसी संकीर्ण दायरे में नहीं बंधा है कि मैं पूरा निराकार बोल दूं, सब ब्रह्म है, केवल आत्म तत्व है। या भगवद गीता संकीर्ण दायरे में नहीं बंधा कि केवल मैं साकार की बात करूं, कि साकार स्वरूप की ठीक है, परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतार करके संसार में लीला करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, चले जाते हैं। भगवद गीता के अनुसार ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है, और ईश्वर साकार और निराकार से भी परे है, अनंत 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 है ईश्वर का स्वरूप। ये भगवद गीता का सिद्धांत। इसी कारण चौथे श्लोक के पहले भगवान ने अपने निराकार पक्ष के बारे में बताया कि निराकार का स्वरूप कैसा है, निराकार कैसा है। भगवान चौथे अध्याय के बाद से वो अवतार तत्व के बारे में बताते कि कैसे स्वयं जो परमात्मा है, जो अजन्मा परमात्मा है, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जो चिरंतर परमात्मा है, वो अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में इस धरा पे आता है, इस पृथ्वी में जन्म लेता है, लीला करता है, और लीला करके करोड़ों करोड़ों भक्तों का वो उद्धार करके चला जाता है। ये अवतारवाद की बात में भगवान श्री कृष्ण पांचवें छठवें से करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुमको ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे अलग अलग जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे ज्ञान है हमारे बहुत सारे जन्म, क्योंकि अर्जुन जीव है और श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर है। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे एक अधिकारी है और एक अपराधी है, दोनों जेल में जा सकते हैं। एक पुलिस वाला भी जेल में जा सकता है और एक अपराधी क्रिमिनल है वो भी जेल में जा सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल है, अपराधी है,
वो अपनी इच्छा अनुसार जेल में नहीं जा सकता, उसको जेल के नियमों का पालन करना होगा। पर जो पुलिस अधिकारी है वो जेल में जा भी सकता है और जेल से बाहर भी आ सकता है अपनी इच्छा अनुसार। तो स्वयं इसी तरीके से जो परमात्मा है वो अपनी इच्छा से संसार में जन्म भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से संसार से जा भी सकते हैं अपनी इच्छा से। जैसे पुलिस अधिकारी अपनी इच्छा से जेल में चला गया, अपनी इच्छा से जेल से बाहर आ गया। पर जीव है वो अपनी इच्छा से संसार में नहीं जा सकता और ना अपनी इच्छा से संसार से बाहर आ सकता। वह अपने गुण कर्म और संस्कार के प्रभाव से संसार में जाएगा और गुण कर्म संस्कार के प्रभाव से ही संसार से बाहर निकल जाएगा। जैसे जेल में अपराधी है, अपराधी अपनी इच्छा से जेल में नहीं जा सकता, उसको कोई बाहर का अदालत या कोर्ट उसको जेल में डालेगा, और यदि उसको जेल से बाहर निकालना है तो कोर्ट या अदालत उसको अपराधी को जेल से बाहर निकालेगा। लेकिन पुलिस अधिकारी के लिए ऐसा, पुलिस अधिकारी कभी भी आना जाना कर सकता है। ईश्वर के लिए कोई सीमा नहीं, ईश्वर अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेता है और अपनी इच्छा से वो अपने स्वधाम में चला जाता है, पर जीव ऐसा नहीं। तो इस आगे के श्लोकों में हम भगवान के अवतारवाद के बारे में बात करेंगे। इस अवतार तत्व की जो मीमांसा है वो आगे के श्लोकों में होगा और ये बहुत ही विशद है। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं जो जहां पे हम बोले अवतारवाद है तो बोलते कोई अवतार अवतार नहीं होता, सब ब्रह्म है, जो राम है वो ब्रह्म है, हम जो वनवास गया था वो ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म है, लेकिन भगवद गीता मानता है कि ईश्वर साकार भी है निराकार भी है, साकार निराकार से भी परे। तो अब तक पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, इन दोनों अध्यायों में भगवान ने अपने निराकार पक्ष के बारे में बताया, अजन्मा हूं, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, पुरातन है, अजह है, ये दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में बताते। पर चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अवतार तत्व के बारे में बताते हैं कि कैसे वो जो अजन्मा है, कैसे वो जो अव्यय है, कैसे वो जो परमात्मा है, वो भक्तों पे कृपा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संसार में अवतीर्ण होता है। और याद रखिए, इस अवतारवाद को कोई ऐरे गैरे समझ नहीं सकता, गिने चुने ही लोग समझ सकते हैं। अवतार को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत साधक व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि कैसे परमात्मा अवतार के रूप में इस दुनिया में आते हैं। रामायण में कहा जाता है कि जब रामायण भगवान राम जब इस दुनिया में आए थे तो केवल भरद्वाज, जब वो नैमिषारण्य वन जाते हैं, प्रसंग आता है कि भगवान नैमिषारण्य वन जाते हैं, तो नैमिषारण्य वन में बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते हैं कई सालों तक ब्रह्म की तपस्या करते हैं, वो भी भगवान राम को पहचान नहीं पाते कि ये स्वयं सर्वव्यापी परमात्मा है। केवल एक दो ऋषि थे, जैसे भरद्वाज ऋषि थे, एक दो ऋषि थे जो भगवान को समझ पाते हैं कि ये अवतार है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के अवतारत्व को भी समझने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। तो उस समय जो ऋषि हैं, रामायण में कहते हैं रामचंद्र जी को कि हे रामचंद्र जी, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के लड़के हो, भरद्वाज ऋषि भले तुमको अवतार के रूप में पूजा करते हैं पर हमारा मन तो ब्रह्म में निमग्न रहता है। तो चूंकि समय अभी खत्म हो गया है, पर जो अगला हमारा सत्र होगा वो हमारे जो बुद्धि की सीमा को तोड़ने वाला होगा, अगला जो सत्र होगा हमारी संकीर्णता को हटाने का होगा, अगला जो सत्र होगा वो हमारे नॉलेज ऑफ बाउंड्री को से भी पार का आयाम होगा, क्योंकि अगले बार हम भगवान के अवतार तत्व पर विचार करेंगे कि कैसे सर्वव्यापी, कैसे
अजन्मा कैसे आत्म तत्व मनुष्य के रूप में इस संसार में आता है और लीला करता है। तो अगले सत्र में हम इसी अवतार तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही अद्भुत तत्व है, खासकर हम सब ज्ञान मार्गी हैं, हम सब तो ज्ञान के मार्ग का अवसरण करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा। आप सभी अगले सत्र में निश्चित रूप से इस अवतार तत्व के बारे में बात करेंगे, चर्चा करने के लिए उपस्थित होइएगा। और चूंकि समय खत्म हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूं और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम ही समापन करते हैं। एक सूचना है। जी जैसा कि आप सभी को विदित है कि अगला जो रविवार है वो चौथा रविवार है, जिसमें हमारा प्रश्नोत्तरी सत्र जो है गुरु जी के साथ रहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अब तक के हुए अध्ययन से आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आप ग्रुप में डालिए, ताकि उससे एक प्रश्न बनाकर उसे ग्रुप चर्चा के लिए गुरु जी के पास भेजा जा सके। तो धन्यवाद। और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले सत्र में अवतार मीमांसा पे, अवतार तत्व पे बात करेंगे। धन्यवाद सारे जी, और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का भी धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। हरिओम।